बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हमारे इस लैब में ये हमारे एसी पीसीबी टेक्नीशियन है, स्टूडेंट है हमारे, जिनका एसी फ्रिज और वॉशिंग मशीन इनका सभी का कोर्स कंप्लीट हुआ है, तो हम इस वीडियो में इनका जो रिव्यू है वो जानेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। और अगर आपको भी कोई टेक्निकल कोर्स करना हो, एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन एलसीडी एलईडी टीवी माइक्रो ओवन ई रिक्शा हमारा सीसीटीवी और जो ई व्हीकल का है या प्रिंटर का, जो भी कोर्स आप टेक्निकल सीखना चाहते हैं, आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल करके कोर्स इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन क्या है, फीस कितना है, इन सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज जो ये हमारा लैब आप देख सकते हैं, ये सारा लैब आप, ये हमारा एसी पीसीबी का लैब है। आप देख सकते हैं इतना सारा अलग अलग कंपनी का सभी प्रकार का यहाँ पे पीसीबी है, और हम इन सभी पीसीबी पर जो फुली प्रैक्टिकल है वो सारी ट्रेनिंग कराते हैं, और स्टूडेंट को प्रॉपरली 100% प्रैक्टिकल देना देते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनका जो कोर्स है वो खत्म हो गया है, तो इस कोर्स के बारे में हम बात करेंगे, इनको यहाँ कैसा लगा और इनको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, प्रैक्टिकल मिला या नहीं मिला, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम एक स्टूडेंट से मिलते हैं। सर हाँ जी लीजिए, आप अपना नाम और कहाँ से है इसके बारे में बताइए। मेरा नाम दीवान सुब्बा लिंबू है, मैं नेपाल से हूँ। ओके सर, मैं इधर 2 महीने हो गया। ओके ओके, लेकिन पहला जिधर आया था इंस्टीट्यूट में उधर विक्रम सिंह के वीडियो देखे आया था, लेकिन उधर मेरे से फ्रॉड किया, 3 बार पूछा है मैंने, विक्रम से छुट्टी में गया वैसे इसी तरह से मैंने एड्रेस कर लिया, लेकिन उधर नहीं लूँगा उसका इंस्टीट्यूट नाम, लेकिन ये देखने पर उन लोगों को पता चल गया कि मेरा बहुत मन दुखी हो गया उधर। ओके, उसके इसके वजह से फिर मैं उधर वो पढ़ रहा था, उधर जो सीख रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसके वजह से इधर वो फिर विक्रम सर इधर वो इंस्टीट्यूट खुल के हमको मालूम हो गया, हम तीनों आके दोनों आके इधर सीखने लगा, फिर इधर हमने 70-80% तक कुछ समझ लिया। अच्छा, अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल जो हमने आपको सिखाया है क्या ये प्रॉपर सही है या गलत है? हाँ, प्रैक्टिकल बराबर, प्रैक्टिकल में आपको बिल्कुल 4 घंटे देते हैं, 4 घंटे क्लास कराते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल 2 घंटे। अच्छा, बिल्कुल चलता है ना, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं ताकि कोई भी चीज बाकी ना रहे और बच्चों को जो स्टूडेंट हमारे आते हैं उनको ओवरऑल परफेक्टली सीखने को मिले। अच्छा, हम लोगों ने बराबर सीख लिया, हम बहुत बिल्कुल। अगर अब आप नेपाल जाकर पीसीबी रिपेयरिंग की बात करें, एक मन से बताइएगा क्या पीसीबी में हाथ डाल सकते हैं? अभी हाँ डाल सकते हैं, सब प्रॉपर्ली सब सेक्शन का पता चल गया मेरे, चेक कर सकते हैं किधर किधर क्या क्या सेक्शन है, कैसे कैसे बोल जाता है, क्या क्या काम करता है, स्विचिंग बस कम्युनिकेशन क्रॉसिंग सब बिल्कुल डायग्राम देख के हम लोग काम करते, अगर नहीं होता तो हम लोग सर से पूछ के फीडबैक ले सकते। वैसे मैंने आपको शुरुआत में अपने जो ऑल इंडिया एसी पीसीबी ग्रुप है उसके अंदर मैंने आपको डाल रखा है जी, तो आपने उस ग्रुप के अंदर देखा होगा फीडबैक स्टूडेंट का, प्लस हमारा सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बराबर। तो थैंक यू सो मच दीवान जी, और अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। अच्छा, मेरा नाम अफर है, मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से आया हूँ। तो जब मैं इधर आया तो मुझे जीरो नॉलेज था, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं, तो फिर मैं एक इंस्टीट्यूट जाके ज्वाइन किया, वहाँ पर मैंने कुछ देखा, 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन वहाँ पर मुझे प्रॉपर समझ नहीं आया, तो फिर इसके बाद मैं विक्रम सर का पूरा वीडियो देखता था, उसको फॉलो करता था, तो मैं यही सोच के आया था कि वो वहाँ पर मुझे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर मुझे मिला नहीं, तो मुझे बताया गया कि छुट्टी में, तो मैं क्लास करते गया लेकिन देखा कि विक्रम सर भी है और उसका नॉलेज भी मुझे नहीं मिल रहा, फिर मैंने पता लगाने के बाद कि विक्रम सर खुद अपना एक इंस्टीट्यूट है, फिर मैंने उससे कॉन्टेक्ट किया, फिर उसने मुझे ऑफर किया कि आओ, फिर मैंने उससे बताया कि ऐसे से बात है कि मैं प्रॉपर में वहाँ पर सीख नहीं सका, तो उसने मुझे गाइड किया, उसने फिर मुझे एडमिशन दिया, उसने मुझे प्रॉपर तरीके से पढ़ाया, हर सेक्शन पढ़ाया, हर प्रैक्टिकल ही कराया, तो आज मैं इतना प्रॉपर हो चुका हूँ कि मैं आज कुछ किसी भी लेकर खुद उसमें काम कर सकता हूँ और उससे रिपेयर कर सकता हूँ, और
विक्रम सर का भी सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, उसने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो सपोर्ट करेंगे, तो मैं अपना अपने अंदर मुझे इतना कॉन्फिडेंट आ गया कि मैं आज प्रॉपर काम कर सकता हूँ, किसी भी बना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि पीसीबी रिपेयरिंग में केवल ये नहीं होता है कि चार किताबी बातें किसी की लिखी पढ़कर आपको सुना दे कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिकल वो करके ना दिखाए, जैसे मान लीजिए मैंने किसी एक पावर सप्लाई के बारे में बताया कि SMPS सर्किट में HKR सेक्शन स्विचिंग करता है, लेकिन अगर मैं आपको प्रॉपरली मल्टीमीटर द्वारा DSO मशीन द्वारा या किसी फ्रीक्वेंसी मोड मीटर द्वारा उसमें ना चेक करके दिखाऊं कि ये देखिए कि ये फ्रीक्वेंसी आगे जनरेट हो रही है, तो जब तक क्या पता चलेगा कि वाकई में वो काम वहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे ही हर सेक्शन को हमने क्या करा, प्रैक्टिकली कराया, हमने ऐसे ऐसे डिवाइस बनाए हैं जो मोटर टेस्टिंग के लिए था, है ना, और इसके अलावा कुछ ऐसे भी थे जो मोटर के रिटर्न फीडबैक को चेक करने के तरीके हमने जैसे तरीके सीखे हैं। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि लगभग आप यहाँ से अब जा रहे हैं तो आप प्रॉपरली रिपेयरिंग कर पाएंगे? हाँ, मुझे अभी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि मैं अपना खुद कर सकता हूँ और प्रॉब्लम भी टेस्ट कर सकता हूँ, और अगर इनकेस अगर उनमें कुछ पड़ा, जैसे इन्वर्टर सेक्शन होता है उसमें कुछ कुछ क्रिटिकल भी होता है, बिल्कुल, तो उसके लिए अपना सर है, सपोर्ट में आप ही ग्रुप में ही है, मैंने स्टूडेंट को इसीलिए मैं जिनको भी ट्रेनिंग देता हूँ उनको पहले ग्रुप में डालता हूँ, बाद में नहीं कि हमारा क्लास खत्म हो गया है अब इनको ग्रुप में डालो, ताकि इनको ये पता चले कि क्या सपोर्ट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब हम सही है, प्रॉपर सही है, हमारा रियल में सपोर्ट है या नहीं है, तो जब एडमिशन होता है उसी समय आप ग्रुप में डालिए। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही फर्स्ट डे ग्रुप में ऐड किया कि आप पहले ये देखिए कि क्या ग्रुप के अंदर आपको सपोर्ट मिल रहा है या नहीं। आपको भी आपने देखा इतने दिन से चल रहा है, तो यही होता है, पहले आप देखेंगे, आप खुद जानेंगे कि सपोर्ट कितना मिल रहा है डे बाय डे। स्टूडेंट जो ऑलरेडी मुझसे पढ़ रखे हैं, मेरे से ट्रेनिंग ले रखे हैं, उनको मैं आज भी सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो कहीं भी पढ़े हो, मेरे से पढ़े हो या अदर इंस्टीट्यूट के भी हो, तो भी मैं सपोर्ट करता हूँ। मेरे पास अदर इंस्टीट्यूट के भी स्टूडेंट हैं जो हमारे ग्रुप में है, लेकिन हम सभी को एक समान मानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक बराबर होते हैं, कभी वो अलग नहीं होते कि कहाँ से पढ़े, कुछ नहीं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ग्रुप में पहले डाला ताकि आप भी देखें कि ग्रुप में सपोर्ट कितना है। जाने के बाद क्या है, जाने के बाद में क्या होता है सपोर्ट ना करे तो, इसलिए पहले आप ये देखो कि सच्चाई कितनी है सपोर्ट में, सपोर्ट वाकई में करते हैं या नहीं करते। तो आपको लगा सपोर्ट करते हैं? बहुत सपोर्ट है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, और ऐसा है कि जब थ्योरी करते हैं तो उसके बाद दो घंटा हम लोग प्रैक्टिकल भी करते हैं, बिल्कुल, वो मेन हम लोग का प्लस पॉइंट होता है कि हम लोग जो पढ़ा है ऑन द बोर्ड उसी टाइम हम लोग करते हैं, तो और भी दिमाग दिमाग में आता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा हमारे पास किसी भी बाहर से आती है रिपेयरिंग के लिए, तो आपने किसी भी हम देखा होगा कुछ ना कुछ नई नई प्रॉब्लम आती है, आज आता है, आज भी किसी भी आया आउटडोर डेड था, कम्युनिकेशन एरर था, रिपेयर किया। तो ये चीजें हमारे यहाँ फुली प्रैक्टिकल कराते हैं, हम स्टूडेंट को एज ए सपोर्ट करते हैं, हम ये नहीं देखते किसे क्या मतलब पाना है, नहीं, स्टूडेंट है उसका फुल प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसके हाथों में आयरन होना चाहिए, मल्टीमीटर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, कटर होना चाहिए, यानी है वो अपने हाथों से उस चीज को करके देखे कि वाकई में ओके होती है चीज या नहीं होती है। केवल चार किताब पढ़ मतलब किताबों में जो लिखा है किसी का वो पढ़ लिया बता दिया, ये वो चार वीडियो देख लिया बता दिया, इससे कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल करते हैं, करा के दिखाते हैं, जिससे स्टूडेंट को मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अभी आप भी देखते हैं, आपने मशीनें यूज़ करी होगी, काफ़ी चीज़ें रिपेयर भी की होगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच फराह जी। और सर आपका? जी, मेरा नाम विष्णु संचरण है, मैं अहमदाबाद जिला से आया हूँ। जी सर, थैंक यू सर। अब आप अपने बारे में बताइए, आप पहले क्या करते थे और अब इस फील्ड में आए हैं तो अपने बारे में बताइए। मैं पहले से मोबाइल लाइन में हूँ, मैं ITI के हुआ है। बिल्कुल सर। और मुझे थोड़ा ऐसी का किसी भी का नॉलेज चाहिए था, मैं यहाँ पर आया हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे प्रैक्टिकल सेक्शन बाय सेक्शन उनको सिखाया जाता है और उसका प्रैक्टिकल तुरंत होता है, वो प्लस पॉइंट है जिससे उनको पूरा पूरा उसका आप
सुबह मतलब जल्दी आते हैं, फिर यहाँ से काफ़ी लेट भी हमारे साथ निकलते हैं। तो आप देखते हैं और भी बच्चे जो रिपेयरिंग करते हैं उनके साथ बैठकर, जो पहले कोर्स कर चुके हैं और बैठे हैं उनके साथ बैठकर आप किसी भी रिपेयर करते हो, तो आपको लग रहा होगा कुछ नॉलेज गेन होना है ना, कुछ ना कुछ आपको नया मिल रहा है। बिल्कुल जो प्रैक्टिकल चेक करने पर जो ओवरऑलिंग हमारा कोड आता है, बिल्कुल कौन कौन से सेक्शन चेक करना है, बिल्कुल बिल्कुल वो पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल कम्युनिकेशन लाइन में हमको पावर सप्लाई भी चेक करना पड़ता है, सप्लाई मिलती है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये चीज है। तो केवल कहने से नहीं है कि आउटडोर में कम्युनिकेशन की दिक्कत है, कम्युनिकेशन प्रॉपर वाकई में कोई फॉल्ट आया है और आप उसे अपने हाथों से चेक कर रहे हैं, सारे सेक्शन आपने पढ़ रखे हैं, तब आपको समझ में आता है अरे यार ये चीजें हमें चेक करनी है और प्रॉपर वो रिपेयर होता है। यहाँ स्टूडेंट बैठ के काफी किसी बात देखे रिपेयर की होगी, काफी लोग बाहर से लेके आते हैं, हम रिपेयर करवाते हैं, स्टूडेंट से रिपेयर कराते हैं, प्रॉपरली वो रिपेयर करते हैं और उनके साथ कुछ सीनियर स्टूडेंट भी होते हैं जो इनकी आपकी हेल्प करते रहते, कुछ नया नया आप बताते रहते हैं। बिल्कुल, तो ओवरऑल आपको यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मैं तो जो भी नया स्टूडेंट आएगा प्रैक्टिकली यहाँ करके वहाँ 100% सीख के ही जाएगा। तो गुजरात के स्टूडेंट जो हमारे आते हैं ऑलरेडी, हमारे पहले गुजरात के काफी स्टूडेंट है और जो न्यू आने की सोच रहे हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे गुजराती में? रिफर करूँगा थोड़ा गुजराती में, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ स्टूडेंट है सीखू है ऐसी किसी भी रिपेयरिंग वाट है, खास विक्रम सर संपर्क करो, एवं नंबर है जैसे ના હોય તો મને પર્સનલી મને ગુજરાતમાં મને અમદાવાદમાં મળીને કહેવા, તો હું પણ તમને પ્રેક્ટિકલી હું વાત કરીને એમને જો તમારું વિશે હશે કરાવી દઈશ, હું 100% રેફરન્સ આપીશ વિક્રમ સરનો કે ના અહીંયા બેસ્ટ વસ્તુ છે શીખવા માટે, બીજી કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ નથી અહીંયા। થેન્ક યુ સો મચ આપ સભી કા। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे स्टूडेंट खुश है और यहाँ पे 100% प्रैक्टिकल है, प्लस यहाँ पे स्टूडेंट को काफी चीजें हम सिखाते हैं और आपको पता है मैंने डीएसओ मशीन का भी उपयोग करके आपको दिखाया था कैसे फ्रीक्वेंसी को चेक करना चाहिए, तो हमारे पास डीएसओ मशीन भी है, उस पर भी स्टूडेंट को काफी सिखाया जाता है। तो अगर आप भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी, एलईडी टीवी, ई व्हीकल और इसके अलावा सीसीटीवी, प्रिंटर, इनका चिप लेवल का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एबीसी टेक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है इस पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और अगर आप कोर्स करना चाहें तो कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड और स्टूडेंट का रिव्यू कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी।